हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 11 में पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने जान लिया था। पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आर ओएच माइनस आयन इन मोल पर लीटर। और आपको ये बताया गया था कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आर ओ एच माइनस अगर है प्रेजेंट है तो उसके नंबर पर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रांग है ठीक है या वीक है। और उसके नंबर को गिनने के लिए पता लगाने के लिए हमने एक यूनिट पता किया था, उसका क्या नाम था, मोल पर लीटर ठीक। तो ये मोल पर लीटर में मेजर करना काफी मुश्किल था, इसलिए हमने पीएच को इंक्लूड किया था, पीएच को डिराइव कर लिया था कि इसकी सहायता से जानना आसान हो जाएगा ठीक है। अब पीएच स्केल की बात आती है तो एक ऐसा स्केल आपके पास होना चाहिए जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी को और एल्कलिनिटी को आसानी से बता सके ठीक है, किसी नंबर के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में आपको समझा सके बता सके ठीक है। तो ऐसे स्केल को इवेंट करने वाले, डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सारेंसन और एक डेनिश साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे ठीक है, डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया, इन्वेंशन कर दिया उस स्केल को, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग सारेंसन स्केल और पीएच स्केल। अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का पीएच कितना आता है, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और ऐसे अप टू 14 आ सकता है। और 10 से लेकर और 14 तक जो ये रेंज है इसी से हम ये पता लगाएंगे कि एसिडिक है और बेसिक है, एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया, द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन इज 1×10⁻²⁻ मोल पर लीटर, कैलकुलेट द पीएच। इस पूरे सॉल्यूशन का हमें पीएच पता लगाना है और ये बताना है कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, पीएच कैलकुलेट करने की बात है। तो आप यहाँ पर गिवन में लिख दोगे कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इक्वल टू 1×10⁻²⁻ मोल आर मोल पर लीटर ठीक है। अब यहाँ पर पीएच का फॉर्मूला पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इन मोल पर लीटर। अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लॉग और H प्लस का यहाँ पर हमने रख लिया है अमाउंट 1×10⁻²। अब इसको साल्व करेंगे ठीक है, तो साल्व करने के बाद आपको कितना मिला 2। ध्यान रखना है 10⁻²⁻ पावर है तो इसका पीएच कितना है, +2 है। ये कैलकुलेशन है हमने पहले से किया हुआ है, यहाँ से एक स्टेप देखें अगर तो लॉग ए इंटू बी के फॉर्म का है तो लॉग ए प्लस लॉग बी के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे, ये माइनस टू को पहले ला लेंगे, लॉग 10 आएगा ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होता है और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर कैलकुलेशन कर ले हम लोग तो कितना मिलेगा हमको, +2 मिलेगा। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन 1×10⁻³ है तो उसका पीएच कितना ले लेंगे, 3। कैलकुलेशन के बाद आपको 3 मिलेगा। अगर इतना 10⁻⁴ ऑर्डर का अगर कंसंट्रेशन है तो पीएच 4 मिलेगा, -5 का होगा तो 5 मिलेगा, -6 का होगा तो +6 मिलेगा, ऐसे हम जान सकते हैं। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमने यहाँ पर पहले से लिख लिया है, यहाँ नीचे देखिए बॉटम लाइन पर ये 10⁻⁦ -1, -2, -3, up to -14 ये ऑर्डर है ठीक है, कंसंट्रेशन के ऑर्डर है मोल पर लीटर ठीक। अब इन्हीं के हेल्प से हमें पीएच कैलकुलेट करना है, तो अगर 10⁻⁦ है तो पीएच कितना आएगा, 0 आएगा, -1 से 1 आएगा, -2 पर 2 आएगा, ऐसे ऊपर नंबर लिख दिए गए हैं 0 up to 14 ठीक। पीएच स्केल की बात करना है तो ये होता क्या है आप बोल सकते हैं, ए स्केल विच मेजर्स द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल, इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिश केमिस्ट सारेंसन, इट मेजर्स फ्रॉम पीएच 0 to 14 ठीक है। तो ये हमें पीएच स्केल के अबाउट हो गया, हम आसानी से याद कर लेंगे इसको। इन्वेंशन कौन किया था, सारेंसन ने किया था, और ये करता क्या है तो ये किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी को या एल्कलिनिटी को मेजर करता है ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन के बाद हम क्या देखेंगे, और सारेंसन ने इसको बड़े स्ट्रांगली समझाया था कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन 10 पर पावर माइनस 7 ऑर्डर का है तो उसका पीएच 7 आएगा और वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, न एसिडिक नेचर का होगा न बेसिक नेचर का होगा, वो न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही इसका पीएच लेस देन 7 आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो इसको हम क्या नाम देंगे, एसिडिक, एसिडिक नेचर इसका आएगा सॉल्यूशन का। और इसमें बड़े चीज आपको क्या जानना है कि जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होगा, पीएच कम रहेगा, ठीक उसी तरह से उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमारे पास पीएच है 2, एक सॉल्यूशन का पीएच मान लो 2 आ गया और दूसरे का पीएच आ गया 3, तो इसमें देखेंगे सबसे कम पीएच किसका है, तो 2 का 2 दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन का पीएच 2 है और किसी का 3 है, तो 2 वाला जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा कंपैरेटिवली 3 के, ठीक है। अब अगर हम कुछ नंबर में बात करें तो जिसका जिस सॉल्यूशन का पीएच अगर 2 है वो 3 के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि जब भी पीएच एसिड के लिए, ठीक है, जब पीएच कम होगा तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब कंपेयर करके पता लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसका पीएच 0 है तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर का होगा, अगर वो 6 है तो वीक होगा, 7 पर न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मोर देन 7 आ गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आ गया, तो बेसिक नेचर के होंगे, 7 के बाद जितने पीएच आएंगे वो सॉल्यूशन को बेसिक बनाएंगे, बेसिक नेचर के सॉल्यूशन होंगे, तब जाके उसका पीएच मोर देन 7 आएगा। अब इसमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, इसमें एसिड का उल्टा होता है, जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होगा वैसे वैसे एल्किलिनिटी या बेसिक नेचर इंक्रीज होगी। अब अगर बात करें तो जिसका पीएच 14 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है। अगर उसका पीएच मान लीजिए 8 है तो ये वीक होगा, वीकेस्ट नाम दे सकते हैं कि वीकेस्ट एल्कलाइन होगा या बेसिक नेचर का सॉल्यूशन होगा, ठीक। ये आपका स्केल है। अब इससे हमने क्या जाना कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 आएगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच लेस देन 7 आएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच मोर देन 7 आएगा, ठीक है। अब हम सीधे बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पर। आपको इंडिकेटर को पहले पढ़ाया जा चुका है, जिसमें आपको सिंथेटिक आपको पढ़ाया गया था, नेचुरल पढ़ाया गया था, ऑथेंटिक पढ़ाया गया था, ऑथेंटिक ये 3 पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक नया टाइप आ गया यूनिवर्सल। आप याद करिए कि इसके पहले जितने भी इंडिकेटर्स आपने पढ़ा है उनका काम क्या था, वे केवल सॉल्यूशन के नेचर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को केवल शो करते थे, ठीक है, इन द टर्म ऑफ चेंजिंग द कलर इन ऑर्डर टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऑर्डर पर, सॉल्यूशन के नेचर के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लिया करते थे, और वो केवल ये बताते थे कि सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, लेकिन उसके पीएच के बारे में हमने कुछ नहीं बताते थे कि पीएच कितना हो सकता है। तो हमें अभी क्या चाहिए कि एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो एसिडिक और एल्कलाइन नेचर को बता सके, लेकिन साथ साथ अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू भी दे सके, बता सके। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको दिया जाएगा एक की, ठीक है, एक की आपको मिलेगा, इंडिकेटर की आपको मिलेगा, जिसमें आपको 14 अलग अलग कलर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, अलग अलग कलर्स रहेंगे, 14 कलर रहेगा उसके अंदर, और आपको जो इंडिकेटर देंगे यूनिवर्सल वो कई कंपाउंड्स का एक कह सकते हैं कि कंपोजिशन होता है, कई कंपाउंड से उनको मिला के हम लोग बना लेते हैं उस इंडिकेटर को, और ये 2 फॉर्म में होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में होता है और पेपर स्ट्रिप फॉर्म में होता है। इसको यूज कैसे करते हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन है ये पता लगाना है कि इसका नेचर क्या है, इसका पीएच क्या हो सकता है, तो अगर आपके पास लिक्विड यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो डायरेक्ट उसको आप उसमें मिक्स कर देंगे, 2-3 ड्रॉप उसमें डाल देंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन में, और जैसे आप उसमें डालेंगे मिक्स करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, ठीक है, और कलर चेंज होगा तो उसके हिसाब से अगर रेड होता है या ग्रीन होता है या ब्लैक होता है या जो है पर्पल होता है, तो कलर के हिसाब से पता लगा लेंगे कि वो क्या है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, और उसी कलर के अकॉर्डिंग
ठीक है, आप उस सॉल्यूशन के कलर को की से मैच कराएंगे, तो की में जिस कलर से मैच होगा तो हम पता लगा लेंगे कि उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली कितना है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी जान लेते हैं थोड़ा सा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में इट इज ए पीएच इंडिकेटर कंपोज ऑफ सेवरल कंपाउंड्स। ठीक है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स को आपस में कंपोज करने से, मिलाने से बना होता है। दैट शोज कलर ओवर ए पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14। ये जो है जो पीएच का रेंज है 0 to 14, उसी के रेंज में अपना कलर को चेंज करेगा और हमें इंडिकेट करेगा कि इसका पीएच कितना हो सकता है और इसका जो नेचर है वो कैसा हो सकता है। ठीक है, अब ये इसके जो फॉर्म होते हैं वो दो फॉर्म होते हैं, एक लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है और दूसरा पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में आता है। और मेथड आपको बताया जा चुका है कैसे यूज करेंगे। अगर लिक्विड सॉल्यूशन का इंडिकेटर है तो आप 2-3 ड्रॉप उसी में डाल देंगे डायरेक्ट और कलर चेंज होगा, उसके हिसाब से मैच की दिया रहेगा, उसमें मैच कर देंगे। चार्ट होती है उसको हम की बोलते हैं, इसको उसी से हम मैच करा के जान सकते हैं। अगर आपके पास पेपर स्ट्रिप है तो डायरेक्ट उसी में डीप कर दीजिए, डीप करने के बाद उसको रिमूव किया जाएगा, कलर चेंज होगी और फिर की से मैच कराएंगे कि उसका कलर किस कलर से मैच हो रहा है और उसके हिसाब से हम पीएच की पीएच पता लगा लेंगे अप्रोक्सीमेटली और उसका जो नेचर है वो पता लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस मीडियम में कैसा वो कलर देगा। तो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन आपके पास है तो उसका उसमें जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज करेंगे, और अगर पेपर आपने डीप किया है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर पेपर को यूज किया गया है पेपर स्ट्रिप को, तो अगर आपके पास न्यूट्रल है सिर्फ प्योर वाटर है उसमें अगर पेपर स्ट्रिप को डीप करके फिर आपको रिमूव करेंगे तो उसका कलर कैसा आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। और ग्रीन का मीनिंग क्या है कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर। अगर वो सॉल्यूशन अगर स्ट्रांगली एल्कलीन है, ठीक है, बेसिक नेचर का है और स्ट्रांग है, तो उस समय कलर कैसा आएगा, डार्क ब्लू आएगी या पर्पल आएगा। ठीक है, अगर डार्क ब्लू कलर आती है या पर्पल आता है सॉल्यूशन का तो समझ लीजिएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है, स्ट्रांगली एल्कलीन है। बट अगर अगर कलर कैसा आ जाए, ब्लू ग्रीन आ जाए, कलर उसका सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन आता हो तो आप ये मानेंगे कि वो तो एल्कलीन है, मतलब बेसिक नेचर का है, लेकिन वो कैसा है तो वीक एल्कलीन में। अब उसका कलर सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसमें उसका कलर रेड आएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि रेड आएगा, रेड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वे वीक सॉल्यूशन है, वीक एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसका कलर कैसा आएगा, ऑरेंज आएगा या तो येलो आएगा। ठीक है, तो ये कलर आप याद करके रखेंगे, अगर ऑरेंज या येलो कलर आता है तो मानेंगे कि वीक एसिडिक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन गिवन है वो उसमें एसिड है और वीक फॉर्म है। अगर रेड आता है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होगी, अगर डार्क ब्लू और पर्पल आता है तो मानेंगे कि वो एल्कलीन कैरेक्टरिस्टिक रखता है, बेसिक नेचर रखता है और स्ट्रॉन्ग, वो एल्कलीन स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका कलर ब्लू ग्रीन आता है तो ये मानेंगे कि वो वीक बेसिक नेचर का है, या उसमें जो है जो बेस है वो वीक है। अगर वो सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो उसका कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। ठीक है, तो ये कलर को चेंज करके नेचर तो बताता है, साथ साथ अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू भी बता देता है कि कितना होगा। हर पीएच वैल्यू पर कलर अलग अलग होती है, तो हम चार्ट उसमें दिया रहेगा बुक में दिया है, आप उसे मैच करा के पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे का जो वीडियो है वो जल्दी आप तक पहुंचेगा।